अभिनेता गोविंदा नामदेव अपनी नई फिल्म ऑफिसर अर्जुन सिंह आईपीएस के प्रमोशन के लिए लखनऊ पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता संदीप खेर ने अभिनेता गोविंद नामदेव से फिल्म को लेकर खास बातचीत की। आज हमारे साथ एक ऐसे फिल्म एक्टर मौजूद हैं जिन्हें हम और आप देखकर बड़े हुए हैं। हम बात कर रहे हैं गोविंद नामदेव की, जो आज लखनऊ में मौजूद हैं ऑफिसर आईपीएस के प्रमोशन के लिए। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका लखनऊ। थैंक यू वेरी मच सर। काफी बड़ी बड़ी मूवीज में आपने काम किया है, जिसके बाद आप ये अपनी एक नई मूवी ला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, कैसा रोल है आपका इसमें? इसमें एक रूथलेस करप्ट चीफ मिनिस्टर का कैरेक्टर है मेरा। एक व्यक्ति में जितने भी ऐब हो सकते हैं आपको इस कैरेक्टर में देखने को मिलेगा। बहुत ही चालाक, धूर्त, तिकड़मी, बदमाश, हर चीज़ को अपने हिसाब से मोड़ देने की क्षमता रखता है, इतना तिकड़मी है। मैं एक्चुअली जिस तरह का कैरेक्टर ये है, ये उस पॉलिटिशियंस की भ्रष्ट कौम को रिप्रेजेंट करता है जो अपने सच्चे झूठे वादे करके चुनाव जीत जाता है और फिर अपने तिकड़मी स्वभाव की वजह से वो पावर में आ जाता है। तरह का सर मैसेज आएगा इससे, अगर हम बात करते हैं समाज को जिस तरह से आपने बताया है, तो किस तरह का एक मैसेज जाता है सर इससे समाज में, इस मूवी से? चूंकि इसका थॉट ये है कि जो आप गलत करोगे तो गलत आपके साथ होगा, तो इस तरह का गलत काम करने वाले के साथ गलत ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आर9 टीवी से बात करने के लिए। हमारे साथ फिल्म अभिनेता गोविंद नामदेव मौजूद थे, जो आज लखनऊ में मौजूद थे अपनी मूवी के प्रमोशन के लिए। संदीप खेर, कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ आर9 टीवी लखनऊ।